ना, घर में मम्मी टाइम पे रोटी नहीं बनाती, रोटी जल जाती है ना, तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता है ना, पपी परेशान करता रहता, वो नहीं। लेकिन जो भी प्रॉब्लम आपकी पढ़ाई से संबंधित हो, एग्जैक्ट पढ़ाई से संबंध पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन वो समस्या पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रही है, तो वो हमारे लिए सोचनी है, हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, समाधान निकालने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये आपको फ्री हैंड से मेरी तरफ से, फ्री हो, जो चाहो जैसे चाहो, अभी क्लास के बाहर है ना, मैं नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप कर देना कुछ हो समस्या तो, है ना, टाइम लगा के बता देंगे। चलो आज इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 दिन हो गए, 1 दिन का टॉपिक था ये, हमने पढ़ लिए है ना, नगर पालिका है, इसका रंग चेंज कर दूं मैं यहाँ से। अरे यार ये टाइम बहुत अलग है, स्टार्ट हो जाता अच्छा ये तो ले आया था मैं, ब्लू ब्लैक कर दूं, ब्लैक दिखेगा इस पे, ठीक है, ब्लैक नहीं यार, रेड है ये, ठीक है। बताओ कुछ सुझाव तो दो यार, तुम लोग कुछ नहीं कह रहे। हाँ ग्रीन दिख रहा है, चलो हाँ ठीक है, तरंग दैर्ध्य सबसे तेज होती है। तो नगर पालिकाओं की हम चर्चा कर रहे हैं, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था इसके लिए, 74वां संविधान संशोधन आया था 1993 1 जून को पूरे भारत में लागू हुआ था। पंचायत राज कब लागू हुई थी, पंचायत राज 24 अप्रैल ना, में है ना, दोनों 93 में ही हुए थे, ठीक। यार अच्छा नहीं लगा ये, ठीक है क्या आज, पता नहीं क्यों मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा। ग्रीन ठीक है, ये वाला सही, चलो ठीक है। देखो ऐतिहासिक पक्ष एक बार और देख लेते हैं ना, जस्ट रिव्यू कर लेते हैं कि हमने देखा था कि सबसे पहले जो हमें सिविलाइज सभ्यता मिली थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, उसके नगर के स्ट्रक्चर बहुत अच्छे थे, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे ना, मतलब उस दुनिया में, उस टाइम की दुनिया में सबसे बेहतरीन क्वालिटी की ईंटें इसी टाइम की थी ना, पकी हुई वेल मेंटेन टाइप की, गोलाकार भी थी है ना, बेलन के आकार भी थी, चौकोर में भी थी, सब तरह की ईंटें थी, ठीक है ना। भवन निर्माण की शैली ऐसी रहती थी कि 2 मंजिल तक मकान बनाए जाते थे, बीच में कुआं रहता था हर घर के पास में, मोरी रहती थी बाहर निकालने के लिए, वेल मेंटेन तरीके से पूरी व्यवस्था हुआ करती थी ना, सड़कें सही थी, नालियाँ कुआं साफ सफाई, ये स्नानागार भी मिला है हमें विशाल है ना, कहाँ पे मिला है, मोहनजोदाड़ो में। स्टेडियम कहाँ मिला है, स्टेडियम धोलावीरा, धोलावीरा में। ये अन्नागार कहाँ पे मिले, बड़े बड़े हड़प्पा, हड़प्पा में है ना। 3G याद रख लेना, एक तो है ग्रेन्स, एक है गर्ल, ठीक है ना, और 1G को हम बोलेंगे गैदरिंग, बोल सकते हैं जोड़ना, बता रहा हूं। एक तो ग्रीन वाला एरिया हड़प्पा में बहुत बड़े बड़े मिले हैं है ना, बहुत बड़े बड़े, और सिस्टमेटिक तरीके से हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में गर्ल मतलब एक डांसिंग गर्ल मिली हुई है तांबे के, उसमें इसको बनाया गया, और गैदरिंग मींस बड़ा बड़ा स्नानागार मिला हुआ है जिसमें लोग गैदरिंग करते हैं धार्मिक, तो तीनों जी हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो में, है ग्रीन मतलब अन्नागार,
अन्नदान। वैदिक काल गांवों का था, उसके बाद 16 महाजनपद थी। मौर्य काल में हमने बात की थी, अर्थशास्त्र और इंडिका इसके स्रोत थे, इससे अच्छे समितियां थी उसमें। कल एक, हाँ आइए मैम, कल जो समितियां थी उसमें एक मिस हो गई थी, उसमें मिस ये हो गई थी, ये शिल्प कला वाली जिसको मैंने नापतोल बोल दिया था ना, नापतोल एक्चुअली है तो शिल्प से संबंधित, उसको नापतोल किया गया, शिल्प कला कहना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो शिल्प कला वाणिज्य कर उद्योग जनगणना और विदेशी यात्रियों की समिति, ये 6 समितियां थी, ये सही तरीके से काम करती थी, ये हमने पढ़ लिया था। फिर गुप्त और हर्ष टाइम पे उस समय जिले को कहा जाता था विषय, है ना, विषय, और जिले के प्रधान को बोला जाता था विषयपति, मतलब जैसे हमारे यहाँ जिला में होता है जिलाधीश, जिलाधीश मीन्स कलेक्टर ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उसी टाइम के वहाँ पे विषय को बोलते थे जिला, और प्रशासक को बोलते थे विषयपति, और जो एसपी रहता है उसको बोलते हैं हम दंडाधि, दंडपाशिक, सुना हुआ ना आप लोगों ने, हाँ दंड देने वाला दंडपाशिक। एसपी है ना, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। कोई दिक्कत तो नहीं है पेन से? दंडपाशिक ये होगा पूरे जिले के लिए, नगरी क्षेत्र के लिए होगा नगर शासक, उनको बोलेंगे पुरपाल, जैसे हमारे यहाँ मेयर होते हैं ना, है ना, यहाँ पे जो शिखरवार मैडम है, तो ऐसे ही वहां पे पुरपाल रहेंगे, महापौर जैसे, और जो हमारे यहाँ सभा रहती है, सभापति का आपने सुना होगा, उसी टाइम पे एक परिषद रहती थी जो सारे कार्य किया करती थी, नगरी प्रशासन संबंधी सारे के सारे काम किया करती थी। ठीक है, बंद रहने दे, चलो ठीक है, ठीक। ये फिर हम देखेंगे चोल, चोल के टाइम पे जब भी नगरी प्रशासन या ग्रामीण प्रशासन की बात करें चोल का जिक्र होना ही चाहिए। ग्रामीण प्रशासन में एक और थे जो सामान्य सभा थी जैसे हमारी ग्राम सभा, और एक सभा थी जो हमारी जैसे ग्राम पंचायत है ना, संभ्रांत वर्ग की, और नगरीय क्षेत्र को बोलते थे, नगरी प्रशासन को बोलते थे नगरम, ये ठीक है ना, ये नगरम होगा या ग्रामीण होगा। मुगल काल में उस समय मैंने बताया था काफ़ी बड़े बड़े शहर आ गए थे, फतेहपुर सीकरी आ चुकी थी, आगरा आ चुका था, दिल्ली था ही अपने आप में, ठीक है ना, और इधर की ओर जाओ तो जूना, जूनागढ़ का जूनापुर, जौनपुर, जौनपुर काफ़ी बढ़िया था, इधर अजमेर है ना, जयपुर, ये नॉर्थ इंडिया, ग्वालियर, ये नॉर्थ इंडिया के काफ़ी बड़े बड़े शहर आ चुके थे जहाँ पर ये स्थानीय प्रशासन काम किया करते थे। स्थानीय प्रशासन मतलब गाँव में ग्राम प्रशासन, नगर में नगरी प्रशासन, यहाँ तक हमने आए थे कल कर लिया था। अच्छा ये आ गए थे, इसलिए रखना फालतू की डेट याद नहीं रखना, केवल ये वाले काम किए कि भारत में सबसे पहले नगर निगम कब बना था, 1687 1687, मध्य प्रदेश में सबसे पहले कब बना था, जबलपुर में 1864, बस ये दो डेट याद रखना, ये आपके प्रिलिम्स की भी काम कीजिए। बाकी आप बता सकते हो कि बॉम्बे कलकत्ता में भी कुछ समय बाद हो गया, 100 साल हो गए, उसके बाद इंदौर में भी आ गया, ग्वालियर का जो लश्कर वाला एरिया था वहाँ पे भी था, लश्कर मतलब ग्वालियर ना, ग्वालियर तो अभी हमने नाम रख दिया, तो ये लश्कर वाले क्षेत्र में भी नगर पालिकाएँ थी। तो ये दो डेट रखना है, बाकी क्रम याद रख लेना, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। बहुत अंतर है, व्याल देखते हैं, बहुत अंतर है, हाँ हाँ बैक कर दें, मतलब ये 3 शहर याद रख लेना, इधर ये 3 शहर याद रख लेना, वही ना 3 बड़े भारत में ये थे, 3 बड़े मध्य प्रदेश में थे, पहली की डेट याद रख लेना 1687, इधर मध्य प्रदेश की याद रखना 1864, बस और कुछ करना ही नहीं है, आगे चले चलो। 3 हमने लाट साहब देखे थे, मियो, मियो के टाइम पे
आर्थिक विकेंद्रीकरण हुआ था, है ना, जिसको सबसे पहले मारा गया था, जनगणना भी हुई थी के टाइम पे। दूसरे लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, क्योंकि पूरे उनको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बांट दिया था, ठीक है ना। पितामह यही है। और कर्जन, कर्जन के टाइम पे हाँ जो कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन था, मैंने एक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बताया था, उस अधिनियम के तहत 1905 में एक अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत ये कमीशन बनाया गया था। जैसे आप सर बोलते हो किसी को रिस्पेक्ट में, लॉर्ड मतलब भगवान होता है ना वैसे तो, उपाधि लॉर्ड साहब, ठीक। और तीन अधिनियम भारत में ये काम किए थे 1919 का, जिसमें स्थानीय प्रशासन, छावनी और भारत शासन, ये हमने कर लिए थे। ये जब भी आप मेंस में लिखोगे तो केवल फ्लो चार्ट बना के एक साइड में लिख दिए जाने चाहिए, बस इससे ज़्यादा इनको सख्त जगह नहीं देना अपनी कॉपी में, लेकिन समझने के लिए कर सकते हैं। हाँ, नोट्स चाहिए। नहीं सर, मतलब ये लिख तो नहीं सकते, चल रही है अब इसको सर घर पे जाके पीडीएफ से नोट करना है क्या, नोट किसको, आपको, इसको आपने पढ़ा दी सर, सैम स्लाइड डल जाती है, स्लाइड डल जाती है, किस पे डल जाती है, अच्छा टेलीग्राम पे आ जाती है, फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, स्लाइड ही रहने देते सर, उसको नोट्स में सर को ना उतारना है कि नहीं इनका, ये कहना, अच्छा यहाँ तुम्हें जो जो अच्छा जो डिस्कशन का पॉइंट्स है वो आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें लिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये की पॉइंट्स हैं जो मैंने फिल्टर लगा के निकाल लिए थे, है ना। बाकी जो देखो, मान के चलो क्लास का तो कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें जब इंटर कनेक्टेड होके आगे बढ़ती हैं ना, तो वो सारी चीज़ें किसी भी नोट्स में किसी भी उसमें नहीं हो सकती। तो क्लास का ये महत्व है, आपको जो लगे, जैसे आपकी जो कॉपी है, चलना बंद हो गया है क्या, हाँ मैं बता रहा हूँ, जब भी आप कुछ चीज़ें लिखें यहाँ पे, ये लिखना शुरू कर दिया, या तो आप नीचे इधर खाली छोड़ दिया करें 10% हमेशा, ताकि भविष्य में आपको कुछ लगे ना उस टॉपिक से संबंधित, तो आप ऐड किए जा सकते हैं, करंट अफेयर में कुछ पढ़ा जा सकता है, या फिर आप अपनी कॉपी की साइड में इतना छोड़ दिया करना 10%। ये समझ में आया कि नहीं आया, हम लोग किया करते थे, हम एक तरफ लिखते थे, एक तरफ पूरा पेज छोड़ते थे, ताकि उसमें जितना करंट अफेयर्स किसी नोट से, किसी बुक से, इंटरनेट से जो हो सके वो जोड़ सके, फिर वो कॉपी है ना, फिर वो हमारी हो जाएगी, मतलब उसका जो आंसर राइटिंग का तरीका रहेगा ना, ये जो कंटेंट डालेंगे वो हमारे रहेंगे और किसी के नहीं रहेंगे, तो वो चीज़ें हमें थोड़ा सा डिफरेंट बना देती हैं। 10th 12th के एग्ज़ाम में 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर के पेपर में से आप कितने ला रहे हो वो आपकी कैपेबिलिटी है, आप 100 से ज़्यादा नहीं ला सकते, है ना, वो 100 का वेटेज है बस, जिसमें आप ला सकते हैं तो ठीक है। यहाँ केवल 8, 10, 50 सीट रखी हुई हैं, उनमें आप ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे, और केवल एक ही ले सकते हो, ये समझ रहे हो, तो कंपटीशन में और एग्ज़ाम में 10th 12th वाले में ये अंतर होता है, तो आप कितना खुद को ज़्यादा इनरिच करते हो, है ना, तो वो आपको सिलेक्ट कराएगी, है ना। आपको पहले बताया था ना, कई सारे काम एक्ट से होते हैं, अधिनियम से, फिर फैक्ट से होते हैं, तो तीसरा कुछ बताया था क्या, नहीं। कुछ टैक्ट से होते हैं, है ना, रणनीतियों से होते हैं, वो हमें खुद अपनी बनानी पड़ती है, है ना। तो एक्ट और फैक्ट तो चल रहा है, बाकी टैक्स खुद खुद के खोजो और करो, है ना, वो किसी के काम नहीं आएंगे आपने जो सोचे हैं वो, है ना। तो क्या पूछ रहे थे, इन स्लाइड्स पे अगर तुम्हें कुछ लगता है ना तो अपनी चीज़ें नोट कर लिया करो, इसलिए मैं जानबूझ के इतनी जगह छोड़ता हूँ स्लाइड में, ताकि कुछ लिखा जा सके, कुछ चर्चा हो सके। इतना सन्नाटा क्यों है, इतने गौर से। चलो, मध्य प्रदेश के संदर्भ में पहले तुम्हें ये मान के चलो मध्य प्रदेश है, ठीक है, मान लिया, ये वर्तमान का मध्य प्रदेश है,
ये और भी नीचे है, ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। ये नीचे वाला भी एरिया है, ये नीचे वाला, मतलब ये काफी हैच है नीचे। और चेंज करूं क्या मैं, समझ पा रहे हो आप? सही है, अरे यार अब इसके आगे नहीं जाएगी। हैं? वाइट ले लेते हैं। अब ठीक है, अब काफी स्पेस है, इसको मान लीजिए कि ये है। यार मैं कह नहीं रहा कि मैं बनूं, नहीं नहीं मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ना वो, चलो इसको मान के चलो, मतलब ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, मतलब चार मैं बना दिए, चारों के चारों काम नहीं किए। ये छत्तीसगढ़ है, ये नागपुर वाला क्षेत्र है ना, नागपुर वाला है, ये बरार है, सब महाराष्ट्र में है ना, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र विंध्य है, ये वाला क्षेत्र जो है इसको बोलेंगे आप महाकौशल, ये वाला क्षेत्र है ना, ये मध्य भारत है और ये भोपाल रियासत है। ये तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने, अरे अरे क्या एमपी नहीं पढ़ा? चलो चलो ठीक, कोई इश्यू नहीं है ना। मध्य प्रदेश जो वर्तमान है ना, उसमें पहले छत्तीसगढ़ भी था, नागपुर वाला क्षेत्र भी था, 8-10 जिले थे, ये बराड़ क्षेत्र है, ये मध्य भारत है, ये भोपाल रियासत है, विंध्यन रियासत है, महाकौशल, ऐसे पूरे के पूरे क्षेत्र रहते थे। मध्य प्रदेश नाम की कोई चीज नहीं थी, इसको मध्य प्रांत बोला जाता था, है ना, सेंट्रल प्रोविंस बोला जाता था। इस प्रोविंस में सबसे बड़ा एरिया था ये महाकौशल, इसको बोलते थे सीपी एंड बरार। सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस, जिसमें महाकौशल आएंगे, छत्तीसगढ़ आएगा, नागपुर आएगा, बरार आएगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र था ना,
इसमें सबसे पहले पंचायत नहीं सॉरी नगरीय निकाय संबंधी 1922 में अधिनियम आया था, इसको बोलते थे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नगर पालिका एक्ट 1922, है ना, सीपी बरार नगर पालिका अधिनियम 1922, सबसे पहले मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश नहीं कह सकते एक्चुअली में, 1956 बना था, लेकिन जो एरिया था उसमें सबसे पहले 1922 में आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा ये विंध्यन क्षेत्र में भी आ गया, तो विंध्यन क्षेत्र के नाम से विंध्यन क्षेत्र नगर पालिका अधिनियम। उसके बाद ये मध्य भारत है तो मध्य भारत नगर पालिका अधिनियम, और उसके बाद भोपाल रियासत है ना नगरीय प्रशासन अधिनियम, ये सब आ गए थे। तो मध्य प्रदेश में जितने भी क्षेत्र थे सबके लिए अपने 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 नगर पालिका वाले अधिनियम थे, जो कि ये लिखे हैं। सबसे पहले 22 में सीपी एंड बरार विंध्यांचल, मतलब दो हमारे आजादी के पहले आ चुके थे ये, ठीक है। कलर एक ही बनाते हैं, ठीक है। सीपी और बरार वाला क्षेत्र हमारा आजाद मतलब भारत की आजादी के पहले आ चुके थे, और ये दोनों हमारे मध्य प्रदेश के गठन के पहले बन चुके थे। मध्य प्रांत कहाँ पे होगा, ग्वालियर और इंदौर वाला जो क्षेत्र है ना, ये वर्तमान में जहाँ पे हम निवास रहते हैं, वो 54 में हो गया था, और 55 में भोपाल राज्य नगर पालिका अधिनियम आ चुके थे। ये चार हैं, अगर आपको डेट याद ना भी हो तो ऐसा लिख सकते हैं कि आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश में, है ना, सीपी और आर की डेट याद रख लेना, फर्स्ट टाइम है ना, तो लिखने में थोड़ी सी एग्जैक्ट बता पाएंगे कि 1922 में आ चुके थे। उसके बाद विंध्यन क्षेत्र आ गए थे, मतलब दोनों के दोनों मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आज़ादी के पहले नगर पालिका अधिनियम आ चुका था, आज़ादी के बाद मध्य भारत में और भोपाल में आ गया था, ठीक। ये हमारे और फिर हमारे काम की चीज़ें 1956 में जैसे ही मध्य प्रदेश बना था तो फिर आया था मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961, जिसके आधार पर आज भी अगर हमें कोई नगर पालिका बनानी है तो इसी अधिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, ये जरूर याद रहना चाहिए। डेटा ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा है ना, की पॉइंट्स देख लो, है ना, और हर डेटा कहीं ना कहीं किसी घटना से लिंक रहता है। जैसे 1922 में देखना तो वो आया था हमारा, क्या कहते हैं, महात्मा गांधी ने कौन सा असहयोग आंदोलन विड्रॉ कर लिया था, वापस कर लिया था ना, फिर शासन ने भारतीय जनता को अपने फेवर में लाने के लिए प्रयास किया, तो एक 1919 का अधिनियम लाया गए थे, मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड, है ना, और उसी अधिनियम के तहत स्थानीय नगरीय प्रशासन पे थोड़ा सा तवज्जो दे दी गई थी, और उस आधार पे यह अधिनियम लाया गया था। मतलब हर चीज़ लिंक है, 1919 के अधिनियम के तहत, उसके बाद अशोक आंदोलन आया, उसके तुरंत बाद हमने ये लाए थे। पूरे स्वतंत्रता संघर्ष में केवल मध्य प्रदेश का जो महाकौशल वाला क्षेत्र था, है ना, जबलपुर वाला और वाला एरिया, वही क्षेत्र था जिसमें क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी, या जहाँ पे कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई सम्मेलन हुआ था। बाकी आपको पूरे मध्य भारत में नहीं मिलेगा, मतलब ना इंदौर में मिलेगा ना ग्वालियर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ पे रियासतें थी, ना विंध्य में मिलेगा क्योंकि वहाँ पे भी रियासतें थी, और छत्तीसगढ़ वाला वो वाला एरिया बहुत ज़्यादा जनजातीय था, बहुत जंगली क्षेत्र था, आज भी है, तो वहाँ पे संभावना नहीं थी। तो बचा कुचा कौन सा, महाकौशल है, तो महाकौशल में ये क्षेत्र हुआ करते थे, ठीक है। सारी डेट रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस हमें एक मैप बना लेना है अपने एटलस पर, सॉरी, और उस पर हमें डिफाइन कर देना ताकि वो इमेज याद रहेगी हमें, ठीक है। आगे चले, ये क्या लिख दिया चलो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है 74वां संविधान संशोधन, और इसको हम लेके आए थे, हाँ, इसको बोलेंगे
आज पूरी चिंटी स्टाइल में बन रही है ना। 74वां संविधान संशोधन आया 1993 में, जिसको कहा गया नगर पालिका। इसके पहले था 73वां संविधान संशोधन, जिसको कहा गया था पंचायत। पंचायत मत, अब आपका जो पहले पढ़ा है ना पंचायत वाला, उसका तुलना करते जाना, अपने आप चीज समझ में आएगी। वहां पंचायत मतलब तीन स्तरीय पंचायत है, ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। यहाँ पे नगर पालिका है, नगर पालिका है मतलब सबसे पहले नगर पंचायत, ठीक है, फिर मध्यवर्ती नगर पालिका परिषद और सबसे ऊपर नगर पालिका निगम। ये ठीक है ना, नगर पालिका परिषद मध्यवर्ती पर, नगर पालिका निगम उस पर, और नीचे नगर पंचायत, जिसको नगर परिषद भी बोलते हैं, है ना, क्षेत्रीय परिषद भी बोलते हैं, नगर पालिका अलग चीज है ना, नगर पंचायत। क्लियर है ना, पंचायत सबसे छोटी, तो उसके आगे नगर लगा दिया तो नगर पंचायत, बीच में नगर पालिका है, ऊपर नगर निगम तो नगर पालिका निगम। तो ये तीन हो गए हमारे त्रिस्तरीय संरचना। ये ऐसा संविधान संशोधन लागू किया गया और एक संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया 9A, नाम दिया गया उसको नगर पालिकाएं। और उसमें आर्टिकल थे हमारे कहाँ से 243A से लेकर O तक थे। अब O के बाद आ जाएंगे हमारे P से लेकर ZG तक, है ना, अपने तो P से लेकर ZG तक हमारे सारे के सारे। हाँ जी ठीक। अब आपको इसके सारे आर्टिकल्स के वो याद रखने की जरूरत नहीं, कौन कौन से काम के, है ना, वो मैं आपको बता दूंगा ठीक। उसके बाद उसमें एक अनुसूची जोड़ी गई थी 11, कितने विषय रखे थे 11 में, 29, इसमें जोड़ी गई है 12 और विषय रखे हैं 18, ठीक है ना। लागू कर दिया 1 जून 1993। अनुसूची मतलब जैसे कोई यहां आई मैग्नस में टीचर पढ़ाते हैं, सब अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, है ना, सब्जेक्ट पूरे आपको बता दिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ कोई चीज़ एक कैलेंडर लगाओ जिसमें सारे सब्जेक्ट डिफाइन कर दिए, अब इस डिफाइन करने के बाद में कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं उसको अलग से एक लिस्ट बना दी, ये टीचर, ये टीचर, ये टीचर, उससे अलग, लेकिन उसमें पूरे पूरे टीचर उसमें आ गए, तो ये उसकी अनुसूची हो जाएगी। नहीं आई समझ में, मतलब संविधान में हमने ये पूरे आर्टिकल लिख दिए, अब इसको 18 काम दिए, अब कौन से 18 काम है तो हमने बीच में न करके अलग से एक लिस्ट लिख दी, इस लिस्ट में इतने 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 काम है, ऐसे 18 काम, स्पष्ट है, तो ये नहीं सोचोगे। शादी के कार्ड हम बांटते हैं तो इसके पीछे एक लिस्ट लगी रहती है ना, किस किस को भेज दिए, किस किस को नहीं भेजे, वो अनुसूची मान के चले। जो एक मध्य प्रदेश में अधिनियम लागू हो रहा था इसके पहले, याद है आपको, आखिर में कौन सा था, 61 ना, बस उसी 61 को संशोधन करके इसको कह दिया 1994। बहुत बदलाव थे, मतलब एक तो जो पंचायत राज वाले जितनी भी संस्थाएं थी, नगर वित्त आयोग था, एक निर्वाचन आयोग था, है ना, उसमें इसके अलावा कई सारे क्षेत्रों में वो लागू थे, कई सारों में लागू नहीं थे, वो जो जो उसके क्लॉज थे ना वो इसमें शामिल कर दिए, ये संशोधन कर दिए, ठीक है। वो कौन से संशोधन, अपन देख लेते हैं। और जिस तरह नगर उसको ग्राम पंचायत को लागू करने वाला सबसे पहले मध्य प्रदेश था, उसी तरह नगरीय निकायों को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था, ये याद रखना हो ठीक। उसमें भी कुछ समितियां पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी, बलवंत राम मेहता, अशोक मेहता, हाँ, जीवीके राव और गॉडगल समिति, सुंगन समिति, है ना, एलएम सिंह भी, हाँ, इनकी समितियां याद नहीं करना आपको, है ना, फ्री हो गए आप। बस मैं आपको बता देता हूँ कई सारी समितियां थी जो इनके संबंध में आई हुई थी। प्रीलिम्स के लिए अगर पूछ लिया जाए तो एक आध दिमाग में कहीं साइड में डाल देना कि एक वट्टाल थे, एक जॉन मथाई थे, एक सहाय थे, और भी थे 10-12, लेकिन अननेसेसरी उनको याद करने के, भगवान न करे कभी कोई पूछे, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है कभी, लेकिन आयोग है कुछ भी पूछ सकता है।
कह नहीं सकते, पी के बट्टाल, जॉन मथाई, जॉन मथाई तो वैसे भी हमारे उसमें रह चुके थे, ओके सहाय, ये सास नहीं है सहाय है, के एन सहाय। आगे बढ़े, चलो अब अपना जो पंचायत राज वाला ज्ञान जो आपने 3 दिन से ले रखा है ना, उसको अपने दिमाग में साइड में रखना और उससे कंपैरिजन करते रहना, इजीली इसे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 74वें संविधान संशोधन के प्रावधान, जैसे उसमें परिभाषाएं थी कि ग्राम पंचायत क्या होगी, जिला पंचायत क्या होगी, नगर है ना, एरिया क्या होगा, जनसंख्या क्या होगी, ऐसी कैसी परिभाषाएं इसमें कि नगर पंचायत क्या है, नगर पालिका क्या है, निगम क्या है, जनसंख्या क्या होगी, वार्ड क्या होंगे, सारे के सारे उसमें ये डेफिनेशन दे रखी है पी, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। अगर हमें नगर पंचायत वाले आए तो हम ए बी सी डी उसके याद रख लेंगे, बस उसी क्रम में हम जोड़ते जाएंगे ना, तो इसके भी याद होते रहेंगे, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है ना, ये ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ठीक है, अभी तो नहीं लग रहा, चलो थैंक यू। जैसे उसमें था बी गठन था 243 बी, ऐसा का ऐसा क्यू है यहां पे, राज्यपाल निम्न आधारों पर किसी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र में घोषित कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या 10,000 से ज्यादा जनसंख्या अगर किसी क्षेत्र की है ना, जनघनत्व के 400 से ज़्यादा लोग अगर किसी एरिया में रहते हैं, दूसरे खेती से हटके लोग जिनकी आय होती हो व्यवसाय, दूसरा एक इसके पहले किसी ने राजस्व का बताया था मुझे, यहाँ से है ना राजस्व का, तो रेवेन्यू वाला भी इसमें जुड़ा हुआ है कि उस एरिया से कितना राजस्व प्राप्त होता है, दूसरा उस एरिया का आर्थिक महत्व क्या है, ये सारे आधार देख कर राज्यपाल उस चीज़ को घोषित कर देंगे कि ये नगरी निकाय है कि ग्रामीण निकाय है, नगरी निकाय में कौन सा निकाय है वो बाद में घोषित करेंगे, लेकिन ये बता दें कि ये गांव है और ये नगर है, शहर नहीं है ना, शहर हमारे चालू भाषा का शब्द है ना, संवैधानिक को उसमें नगर बोला जाता है। अब जैसे उसमें अपवाद थे ऐसे इसमें भी अपवाद है, अरुणाचल प्रदेश में लागू ही नहीं है, अरुणाचल प्रदेश एक चीज के लिए और फेमस था याद है, एससी की आबादी के लिए आरक्षण नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश पूरा या तो जिला है वहां पे या जिला है ना, नगरीय वाली कोई चीज नहीं है वहां पे, जनपद नहीं है यहाँ पे, शहर जैसा कुछ नहीं, या तो डिस्ट्रिक्ट है पूरा का पूरा, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स अपने हिसाब से काम करती रहती है वहां पे, नगर पालिका ये 74वां संविधान संशोधन वाला लागू नहीं होता। फिर केवल एक संस्थान है, केवल नगर पालिका, मतलब वहां पे ना नगर ना छोटे स्तर की चीज है, ना बीच वाली स्तर की है, ना ऊपर वाली चीज, केवल बीच वाली है नगर पालिका, और ऐसे हमारे केवल दो राज्य हैं, मेघालय और मिजोरम। नहीं है नगर परिषद, नहीं है, केवल है नगर पालिका, और ऐसे दो राज, ऐसे ये 4-5 राज्य जिनमें केवल दो स्तर की हैं, या तो नगर परिषद है और सीधे नगर निगम है, या फिर नगर पालिका है, जो भी है, लेकिन 3 स्तरीय नहीं है इसमें, केवल 2 स्तरीय है, जैसे गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जबरदस्ती में रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना है ना, दिमाग पे लोड नहीं लेना, एक मैप बना लेना भारत का और मैप बना के वहां पे उनको लिख देना कौन कौन सा राज्य, 2-3 बार जैसे पलटोगे ना वो दिमाग में छप जाएंगे, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ केवल 2 स्तरीय हैं, गोवा, वैसे भी गोवा में आपको पता है कि नहीं जनसंख्या कम है ना 20 लाख, यहाँ पे ग्राम पंचायत और जिला पंचायत है, बीच वाला नहीं है, आपको याद है गोवा, गोवा याद हो जाएगा, मणिपुर में भी ऐसा ही था, मणिपुर में था भी 2 स्तर, तो मणिपुर गोवा तो याद यूनिवर्सली हो गए कि वहाँ पे 2 स्तरीय पंचायत है और 2 स्तरीय नगर परिषद है, बीच का नहीं है। अब बाकी के बच्चे नागालैंड, नागालैंड का हमने क्या पढ़ा था कि नागालैंड में पंचायत जैसी कोई चीज है ही नहीं है,
याद है आप लोगों को। तो नागालैंड वैसे भी वहाँ पंचायत नहीं है, तो बचे हुए शहरी क्षेत्र में केवल दो स्तरीय। इस पूरे नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है नागालैंड, मतलब यहाँ की जो राजकीय भाषा है वो इंग्लिश है, मतलब लोकल लैंग्वेज जो है ना वो लोग समझ नहीं पाते, इंग्लिश से काफ़ी एजुकेटेड है। मेघालय में ये मिजोरम भी काफ़ी पढ़ा लिखा है। बस त्रिपुरा एक नई चीज़ आई है यार, हो तो ठीक है, ना हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे भी आपको मेंस में लिखना है, एक दो के नाम लिख लेना, बाकी किसी के नहीं है। ठीक है क्या यहाँ तक? बस अच्छा ठीक है, जैसे ही ओवरलोड हो ना कि बस अब वोमिट होने वाली है तो बता देना मुझे ना, हम अपन रोक देंगे। ये इंटरेस्टिंग चीज आपको अच्छी लगेगी कि अब हमारे गांव स्तर पर आ गई ग्राम पंचायत, नगरी स्तर पर आ गई नगर पंचायत। ग्राम पंचायत के लिए मिनिमम चाहिए 1000 लोग और नगर पंचायत के लिए मिनिमम चाहिए 10000 लोग। वो उसको घोषित करने के लिए 5000 उसके लिए चाहिए बेटा, जनपद के लिए। ठीक है, बीच में आ गई हमारी जनपद, मिनिमम 5000 का एक वार्ड होगा। यहाँ चूंकि 10000 था, 10000 से 20000 हमारी हो गई नगर पालिका। तुम लोगों के चेहरे एकदम ब्लैंक दिख रहे हैं, हाँ के ना थोड़े से मुझे बताते रहना। जनपद में वो नगर पालिका नहीं आएगी? नहीं आएगी अभी, अभी तो जो जो चल रहा है ना उसको चलने दो, वरना ये मैस हो जाएंगे एक दूसरे में। दोबारा से बताऊं, 1000 की आबादी ग्रामीण क्षेत्र, उसको ग्राम पंचायत घोषित कर दिया। 10000 की आबादी, भले ही वो गांव हो लेकिन अगर उसमें शहरी क्षेत्र के गुण आने शुरू हो जाएं, मतलब अभी वो ना शहर बना पूरी तरीके से ना गांव रहा है ना, तो वो संक्रमणशील क्षेत्र को हम बोलेंगे नगर परिषद, नगर पंचायत सॉरी, नीचे वाली। फिर आबादी हमारी बढ़ गई किसमें, गांव वाले क्षेत्र में 5000 में, तो उसको आपको हमने बोल दिया जनपद। और इधर आबादी बढ़ गई 20000, तो इसको बोल दिया हमने नगर पालिका। और फिर इसकी आबादी बढ़ गई ग्रामीण क्षेत्र की, तो ये हो गए 50000 पे जिला पंचायत। इधर हो गई है 5 लाख तक, तो ये हो गई है हमारी नगर पालिका निगम। आ गई कस्बा? कुछ नहीं होता कस्बा, चालू आसाम है, मतलब शहर जैसा एक एरिया जहाँ फट्टे डाले हुए, गुमटी डाली हुई है ना, जलेबियाँ रखी हैं 5 दिन की, जब उससे मांगो वो कहेगा अभी बनाई है ना, तो वो कस्बा रहता, सारी धूल उसी पे आती रहती है ना, तो वो कस्बे के गुण है। क्या कन्फ्यूजन है? मुझे डाउट लग रहा है यार, क्या तुम रायता बिखरा होगे पक्के में ना। एक बार और समझाते हैं, पूरा जिला का जो गांव वाला क्षेत्र है वो या तो ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत होगा। एक गांव में ग्राम पंचायत, 50 गांव को मिला के जनपद पंचायत और 100-200 सारे गांव को मिलाकर जिला पंचायत। केवल गांव से संबंधित हैं, शहर का कोई हस्तक्षेप नहीं। और छोटे छोटे पॉकेट्स उस एरिया में जो शहर जैसे होने लगे, जैसे डबरा शहर जैसा होने लगे है ना, या घाटीगांव शहर जैसा होने लगे, तो वो शहर जैसा होने लगे बना नहीं है, उसको बोलेंगे नगर पंचायत। ठीक है, और अगर वो अच्छा खासा शहर हो जाए, आबादी ठीक हो जाए, तो उसको बोलेंगे नगर पालिका। वो बहुत बड़ा महानगर हो जाए तो उसको बोलेंगे निगम। छोड़ो सब नगर पालिका इधर उधर, सीधे सीधे कर दो निगम, पालिका और पंचायत। अब तो ठीक है, पंचायत ग्राम पंचायत के नगर पंचायत 10000। जैसे मैंने मुकुंदपुर का बताया था ना आपको, मुकुंदपुर की आबादी 2011 में जब जनगणना हुई थी तब 9500 कुछ थी, मतलब 400-500 लोग अगर और होते तो वो नगर पंचायत घोषित हो जाती। कब? 2011 में। अभी फिर परिसीमन हुआ, सुन लो यार है ना, अभी परिसीमन हुआ 11-12 साल बाद, अब उसकी आबादी आराम से 15000 थी, तो उसको ग्राम पंचायत से हटके, मतलब हमारी जनपद से हटके, उसको नगर पंचायत घोषित हो जाना चाहिए था, लेकिन जनगणना का आधार रखा 2011 ही।
तो फिर वो वहीं के वहीं बनी रही, इसलिए वो अभी भी हमारी पंचायत, मतलब हमारे पाटन की पंचायत में आती है वो। बाकी उसकी जनसंख्या को, जनगणना को सबको देख कर वो बिल्कुल, उसको तो राष्ट्र घोषित कर देने चाहिए, ये स्थिति है। 20,000 से ऊपर, उसमें 5 लाख महानगर निगम रहता है ना। वैसे देखो 3 लाख का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है जब पहली बार ये लगाया गया था, वर्तमान में 5 कर दिए, तो आप आबादी वाले चक्कर में ज्यादा पढ़ना मत। मतलब अभी ना गांव रहा ना शहर बना, देखे होंगे ना आपने, कुछ एक आध मॉल खोल दिया, छोट मॉल मतलब बड़ा सा नहीं, ऐसी बिल्डिंग है कि 4 लाइनों में सामान रख दिए, आओ और ले जाओ, बस मॉल हो गए। हाँ हाँ, मतलब ना गांव बचा ना शहर बचा, उसको बोलते हैं संक्रमणशील। वहां पे बना देंगे हम नगर पंचायत। हाँ, इनकी संख्या देख लेना, अभी जो डेटा में मुझे मिल रही है वो 294 है एमपी में, लेकिन आपने पास में रनौत नाम सुना होगा, शिवप्रीम है ना, रनौत, रनौत गांव है, भद्रवास ब्लॉक में आता है, उसको नगर परिषद, सॉरी नगर पंचायत घोषित किया जा चुका है शासन स्तर पर। ऐसे एक खंडवा में भी है, एक टीकमगढ़ में भी है। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये पंचायत से हटकर अब नगर उसमें मतलब गांव से हटकर अब ये शहर घोषित किए जा रहे हैं, चालू हुआ बोले यार। तो ये संख्या शायद बढ़ गई, 294 है, 298 के आसपास होगा, लेकिन अभी निर्वाचन आयोग की साइट पे इतनी है, तो अब अभी हम इसको इतनी ही मानेंगे। करंट अफेयर में आप देखना तो 298 मिलेगी आपको, लेकिन जब तक घोषित नहीं हो जाती, चुनाव आयोग घोषित नहीं कर देता, हम 294 ही मानेंगे। जैसे गांव है ना हमारे 23,000 12 के आसपास, तो उनमें से ही हमारे इतनी इनमें। हाँ ये, अरे नहीं, जैसे कितनी जनपद है हमारे यहाँ, 313 ना, ऐसे ही 294 हमारे यहाँ नगर पंचायत है पूरे मध्य प्रदेश में, 294 है, 294। आज के भांग का गोला खाया है क्या यार, क्या हो गया, बढ़िया चल रहा है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया यार, यही है ना बस, यही है, ये कुल संख्या है। मध्य प्रदेश में अब देखना, ये जो नगर पंचायत है ना, ये छोटे 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 पॉकेट्स में बटी रहती है, जिसको हम बोलते हैं वार्ड, और इन वार्ड से एक एक चुन के आते हैं पार्षद, वहां कौन चुन के आते हैं, पंच, वो पंच होते हैं, ये पार्षद होते हैं, ये पार्षद चुनेंगे, ठीक है ना, ये पार्षद फिर अपने में से चुनेंगे नगर पंचायत का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, ठीक है, और इनके मदद करने के लिए एक सरकारी अधिकारी होता है, आप लोग सिलेक्ट होके जाओगे उसमें, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, सीएम पीएससी द्वारा ना, ये चुन के जाएगा और ये सारे के सारे काम करेंगे। आप ये ग्राम पंचायत किस तरह से तो नहीं, आप जनपद से थोड़ी सी तुलना कर सकते हो, जनपद में जनपद सदस्य होते हैं, होते हैं, ठीक है, और यहां होते हैं सीईओ, ये पार्षद मिलकर चुनेंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और जनपद सदस्य मिलकर चुनेंगे, है ना, जनपद के, और यहाँ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहाँ होता है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। क्या चर्चाएं चल रही हैं, पंकज स्लो चल रहा है, मतलब तुम लोगों का फोकस यहाँ नहीं है, तभी तुम्हें पंखा दिख रहा है, जो हो जाए सो हो, पहले इधर आ जाओ, है ना, टेंशन मत लिया करो अभी। तो एक एक शंकराचार्य थे, उन्होंने एक शब्द दिया था तितिक्षा, शंकराचार्य का तो नाम सुना होगा यार, क्या सुना है, नाम सुना है,
ये 32 साल की उम्र के केरल के दार्शनिक थे, 32 साल की उम्र में डेथ हो गई थी, है ना। और इन्होंने एक दर्शन दिया था जिसको बोलते हैं अद्वैतवाद। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब दो नहीं, तो दो नहीं मतलब एक। कौन एक? मैं और ब्रह्मा एक, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है ना। तो उनका कहना था कि अहम ब्रह्मास्मि तक आने के लिए इंसान को तितिक्षा का गुण होना चाहिए। तितिक्षा मतलब घनघोर गर्मी हो या घनघोर सर्दी हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो अपने लक्ष्य पर फोकस रहे। तो पंखा बंद भी कर दिया यार, बंद कर दो यार इसको, है ना। तो उस चीज को छोड़ के यहाँ फोकस करो, चलने दो चलने दो। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ, आ रहा है तो फिर इधर उधर बातें मत करो, है ना, या फिर मैं समझूंगा कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक। तो एक अध्यक्ष होगा, एक सीएम होंगे, और ये पार्षदों से मिलकर समितियां बनेंगी। अब एक चीज दिखना, यहां जिस दिन मीटिंग होती है, ये प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं मैं आपको, हम लोगों के यहाँ साल में 3 या 4 मीटिंग का प्रावधान है। वैसे तो हर महीने का है, हर महीने हो नहीं पाते। तो हमने जितना भी साल भर में जितना खर्चा किया अपनी जनपद में, जितना हमारा बजट बना, वो पूरे इकट्ठा करके हमारी जनपद बॉडी के सामने रखते हैं हम लोग, है ना। उनसे अनुमोदन लेते हैं कि हमने यहाँ यहाँ पे खर्च कर दिए, और उनके साइन हो जाते हैं, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं करना। बाकी जितना भी पैसा आता है वो हम लोग, हमारी DSC होती है, एक डिजिटल सिग्नेचर, है ना, उसके या साइन चेक के माध्यम से पैसे देते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं, हमें कोई पूछने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ बड़ी समस्या है, CMO साहब जितना भी खर्च करते हैं उसमें अध्यक्ष साहब के कंबाइंड सिग्नेचर लगते हैं। जैसे आपने गांव में देखा होगा, सचिव के और सरपंच के एक साथ साइन से ही पैसा विड्रॉ होता है, ऐसा ही यहाँ रहता है। तो वो थोड़ा सा टसल चलता रहता है ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बनी रहती है। लेकिन अगर आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोऑर्डिनेशन बिगड़ा तो समस्या जाती। यहाँ थोड़े से रिलैक्स हैं, थोड़े से रिलैक्स हैं, बाकी जनपद अध्यक्ष का और उनका बिल्कुल अधिकार है, संविधान एक पद है, पूछते भी हैं कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च किया, किस तरीके से किया, लेकिन वो साल में एक मीटिंग में ना, फिर खत्म बात है। तो ये चीज़ बनी रहती है, कुछ समितियाँ रहती हैं। और एक चीज़ और है, ग्राम पंचायत में पंच का इतना तवज्जो नहीं रहता, उसके पास पैसा भी नहीं रहता खर्च करने के लिए अपने क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पार्षदों के पास अपना अपना फंड रहता है, अपने अपने एरिया में ये पैसे खर्च करते हैं, ठीक है ना। तो इनकी अच्छी खासी वैल्यू बनी रहती है। ये हो गया हमारा नगर पंचायत। तो हम कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ये 243 सी कहाँ पे था, संरचना थी ना ग्राम पंचायतों की, तो आर में हो गया नगर पालिकाओं की संरचना। नगर पालिका मतलब तीनों के स्ट्रक्चर्स। अब आ जाओ नगर पंचायत से उठ के नगर पालिका पे, जिसका पूरा नाम है नगर पालिका परिषद। ये कैसी है, ये छोटे शहर हैं, वो तो अभी गांव से शहर में ट्रांसफर हो रहे हैं, और ये छोटे शहर, ये शहर वेल मेंटेन हो चुके हैं, है ना। तो ऐसे मध्य प्रदेश में संख्या है टोटल 98। जैसे इधर देखी जाए तो मुरैना, मुरैना को छोड़ के सारे होंगे नगर परिषद, दस शिवपुरी, गुना, ठीक है ना, श्योपुर, ये सारे के सारे जितने जिले हैं ना, मतलब हमारे 52 जिले में से 16 हटा देना, 16 नगर निगम हो, बाकी सारे के सारे नगर पालिका हैं, वो कुछ छोटे छोटे कस्बे हैं वो भी नगर पालिका में ट्रांसफर हो चुके हैं। डबरा है क्या नगर पालिका है, नगर पालिका तहसील तो कुछ भी हो सकती है, तहसील मतलब एक शहर है, उस शहर का जितना गांव की ज़मीन है वो शहर की ज़मीन है, तो ज़मीन से संबंध रखने वाला विभाग है तहसील, ठीक है। और जो विकास संबंधी काम है, गांव के विकास करने वाला हो गया जनपद, और शहर का विकास करने वाला हो गया नगर पालिका, क्लियर। तो तहसील दोनों में काम करती है, शहर में भी और गांव में भी, है ना। आबादी बढ़ा दो 10,000 से 20,000, 20,000 से लेकर 5, वैसे ये 3 लाख थी स्टार्टिंग में,
आपको 3 लाख भी मिलेगी कई सारी किताब में। जब 1994 का अधिनियम लाया गया था तब 3 लाख रह गई थी, वर्तमान में उसकी संख्या बढ़ा दी, 5 लाख कर दी। इसमें भी अध्यक्ष होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष आपने अभी चुनाव हुए थे देखे थे, इसमें भी CMO रहते हैं। ये CMO गांव स्तर के रहते हैं, CMO बाय स्तर के रहते हैं, सी और डी, सी बी और सी वाले लेवल के रहते हैं, मतलब वही प्रमोट होकर यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और उनकी समितियाँ रहती हैं, पार्षद चुनेंगे, जैसे आपकी डबरा नगर पालिका है तो उसमें कई सारे वार्ड होंगे, उन वार्डों से पार्षद चुने जाएंगे, पार्षद चुनेंगे अध्यक्ष को उपाध्यक्ष को और वो पूरा काम करेंगे, ये ठीक है। प्रतीक्षा आ गई, हाँ जी एक मिनट इसको हटा दो, ये हूँ पार्षद है, पार्षद चुनेंगे अपने में से। देखो दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ शिवपुरी का, शिवपुरी में करेरा एक जगह है, करेरा छोटा है, करेरा में काम करेगी नगर पंचायत, करेरा शहर शहर को कई सारे वार्ड में बांट दिया, वार्डों से पंच पार्षद चुन के आ गए, वो करेरा के अध्यक्ष हो गए, वहीं के CM हो गए, प्रशासन संभालेंगे। अब आ गए शिवपुरी में, शिवपुरी शहर शहर को बांट देंगे, फिर हम वार्ड में यहाँ के पार्षद आएंगे, अध्यक्ष चुनेंगे और यहाँ आए हमारी नगर पालिका, मतलब इसका उससे कोई संबंध नहीं। एक चीज़ थोड़ा सा देखना, ये बड़ी यूनिक चीज़ है, नगरीय प्रशासन में जो नगर पालिका है और नगर निगम है और नगर पंचायत, वो तीनों शहर अलग अलग हैं, ठीक है, तीनों के वोटर अलग अलग हैं, तीनों के पार्षद अलग अलग हैं, ठीक है। और नगर निगम देखना, नगर निगम के कमिश्नर होते हैं, IAS ऑफिसर रहते हैं, वो केवल फोन लगा के गाइडेंस कर लेते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन ग्राम पंचायत में सरपंच हैं, 50 पंचायतें मिलकर जनपद CEO हो गए, जनपद हो गए, जनपद का पूरा कोऑर्डिनेशन है उस पर पंचायत पे, और फिर 8-10 जनपदें मिलकर हो गई जिला पंचायत, जिला पंचायत का पूरा कंट्रोल है जनपदों पर भी और ग्राम पंचायत, तो ये इस तरीके से काम कर रही है और ये फैले हुए स्तर पर काम कर रही है, ये क्लियर है। हाँ नहीं है थोड़ा, हाँ पूछो, अच्छा तो डाउट कहाँ है, अभी तो बिल्कुल सुना नहीं। आपके दादाजी के बेटे, पिताजी के बेटे, आप ग्राम पंचायत, पिताजी जनपद और दादाजी जिला पंचायत, दादाजी का कंट्रोल पिताजी पर भी और आप पर भी है, पिताजी का कंट्रोल आप पे है लेकिन दादाजी से रिक्वेस्ट करते हैं और आप दोनों से डांट खाते हो, ऐसा कैसा ग्राम पंचायत की स्थिति है, ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला पंचायत की, समझ गए आप, समझ गए। अब आपके दादाजी के 3 बेटे हैं, एक छोटा, एक बीच में और एक बड़े, सबसे छोटे चाचा जी रहते हैं इंदौर में, बीच वाले रहते हैं बेंगलोर में और तीसरे रहते हैं दिल्ली में, उनके अपने बच्चे बीवी हैं, तीनों के अपना अपना काम करते हैं, तीनों का आपस में कोई मतलब नहीं है, बस 30 त्यौहार पर हायलो हो जाती है, ये ठीक है। क्योंकि दिल्ली वाले सबसे बड़े हैं तो वो फ़ोन लगा के पूछ लेते हैं, गाइडेंस दे देते हैं कि बच्चों को क्या कराना है, पढ़ाई लिखाई में क्या करना है, पैसा कहाँ आ रहा, बस वो कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं और ये दोनों सम्मान में उनकी बात मानते भी हैं, लेकिन तीनों आपस में अलग अलग हैं, ये ठीक है। ये हो गई हमारी नगर पालिकाएँ, अब ठीक है, अब तो आई समझ में, अब आ गई यही चीज़ है, समझ गए, थैंक यू। इसकी 5 लाख से ऊपर, वैसे 3 लाख 5 लाख दो जगह मिलेगी, वर्तमान में 5 लाख, 10 लाख से ज़्यादा होते हैं उनको बोलते हैं मेट्रो सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसे 4 हमारे महानगर हैं, 32 लाख इंदौर है ना, इंदौर की, इंदौर मेट्रो में नहीं आता, वो 1 मिलियन में आते हैं एक्चुअली में, जैसे हमारे यहाँ भारत में 3 शहर हैं केवल 1 करोड़ से ज़्यादा है, दिल्ली की है लगभग 2 करोड़ के आसपास है, मुंबई की है और कलकत्ता की है,
चेन्नई की नहीं है, चेन्नई की आबादी हमारी कम है आई थिंक, बेंगलोर भी कम है, एक करोड़ से कम है, एक करोड़ से कम है। हाँ मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम कितना अभी? अरे अरे यार कितने बज गए? तुम 2 मिनट रख के आओ, मैं पूछ के आता हूँ, अगर 15 मिनट और एक्स्ट्रा खींचे उसको मैं चाह रहा हूँ तुम पूछ लो कि 15 मिनट और रुक सको ना तो इसको कंप्लीट कर देंगे। हाँ अरे मौसी बुआ को बाद में देखना, पहले यहाँ आ जाओ ना। एक बार और बना दो मैप तब तक। सुनो सुनो सुनो, आवाज मत करो ना प्लीज। पहले तो ये 16 है ना, क्योंकि ये कम है तो ये पूछे जा सकते हैं, 294 नहीं पूछे जाएंगे, 98 नहीं पूछे जाएंगे, ठीक ना। मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, आपको पता है 10 संभाग में 2 संभाग ऐसे हैं जहां नगर निगम काम नहीं करते, जैसे एक शहडोल है और दूसरा है नर्मदापुरम, ठीक है। 10 संभाग है ना पूरे मध्य प्रदेश में, उसमें से शहडोल एक है और एक नर्मदापुरम है, इन दोनों में नगर निगम काम नहीं करते। तो बचे कितने हमारे? 8। तो 8 तो हो गए हमारे संभाग जिनमें नगर निगम काम करते हैं। कौन कौन से होंगे? एक ग्वालियर संभाग है, चंबल संभाग है, हाँ चंबल संभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो एक मोरवा नाम हो गया। संभाग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। और कौन से संभाग आ रहे हैं? उज्जैन संभाग, इंदौर, भोपाल, ये याद रहेंगे। अरे बना ले भाई मैं भूल जाएगा, ये हो गए। नहीं नहीं यही बना, प्रैक्टिस कर लो, मतलब आंखें बंद करके मैप बनाना सीख जाओ स्पीडली। और एक काम करना, ये जो मैप है ना, ये छोटी सी जगह पर भी, बड़े सी जगह पर भी, पूरे पेज पे पूरा होना चाहिए। मतलब छोटी जगह पे ऐसा ना हो कि बिल्कुल बूंद टाइप का, प्रैक्टिस उतनी होनी चाहिए कि कहीं पर भी जब जगह मिले तब बना लो। ये हो गए। फिर एक सागर, रीवा और जबलपुर, कितने हो गए ये? 7-8। 8 हमारे संभाग हैं जहां पे हमारे नगर निगम काम करते हैं, ठीक। बाकी के 8 हमारे जिले होंगे जहां हमारे, कोई से शहर में दिक्कत तो नहीं है? हाँ 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 तो क्या दिक्कत है उसमें है? नहीं मैं सारे जिलों की बात नहीं कर, मैं संभाग की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ 10 संभाग हैं, मैं बस याद कराने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे। इधर संभाग तो हमें याद है, 2 में नहीं है, मतलब 8 में, सॉरी, तो 8 हमें याद है। अब हमें 8 जिले याद रखना है जिनमें ये काम करती है। वो 8 जिले कौन से हैं? ये रतलाम है, ठीक, ये देवास है, देवास, उज्जैन, रतलाम, ये एक ही संभाग में काम करते हैं। मतलब उज्जैन संभाग में हमारे हुए 3 नगर निगम और उज्जैन, उज्जैन संभाग है, बाकी दोनों जिले हैं। अब आ जाओ रीवा में, रीवा में सतना है, सिंगरौली है, 3 हो गए यहाँ। सीधी में नहीं है, सीधी में नगर पालिका है, 6 हो गए। अब आ जाओ इंदौर संभाग में, इंदौर में खंडवा और बुरहानपुर,
तीन इंदौर में हो गए। ये खंडवा हो गया और ये बुरहानपुर हो गया। हिंदी में लिख दूं क्या? ठीक है ना, उसमें क्या हिंदी इंग्लिश क्या? खंडवा बुरहानपुर, ये इंदौर संभाग के हैं ना, संभाग में जिले रहते हैं ना, आपको पता होगा। तो इंदौर संभाग के तीन जिलों में है, उज्जैन संभाग के तीन जिलों में है और रीवा संभाग के तीन जिलों में है। ठीक, भोपाल अकेला है, सागर अकेला है, ग्वालियर अकेला है, जबलपुर का कटनी दो यहां हो गए, तभी तो एक सर्कल में कर दी उनको। एक जिला ऐसा है जो संभाग ना होते हुए भी इसका नाम है छिंदवाड़ा। नगर निगम है नहीं हुआ घोषित नगर, उसने चुनाव आया उन्हें घोषित नहीं किया। ये तो हमारे ऐसी हवाएं चलती रहती, मतलब प्रस्ताव जैसे आपके चाचौड़ा का नाम सुना है मैयर, और एक और चाचौड़ा है मैयर है, एक रतलाम जिले में पड़ता है नागदा, और एक देवास जिले में पड़ता है, देवास जिले में पड़ता है, अच्छा नाम है उसका, वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, डेथ हो गई कुदरी नहीं कुदरी नहीं कुदरी वर्तमान मुख्यमंत्री नहीं पुराने मुख्यमंत्री, अरे हमारे दोस्त हैं यार सीओ, वहाँ पे हम लोग गए भी थे। नहीं नहीं नहीं, मिस कर रहा हूँ मैं, अभी आ याद हो जाएगा। तो ये चार जगह ऐसी हैं जो, अरे सुन तो ले भाई, ये चार जगह ऐसी हैं जो घोषित की गई हैं कि ये जिले बनाएंगे, लेकिन अभी जिले हैं नहीं हैं। ऐसे के ऐसे भिंड को घोषित किया गया, अभी बना नहीं है। कितने हो गए ये टोटल मिला के देखना, हो गए 16, याद रहेंगे ये 16। तरीका क्या है कि पहले आठ संभाग देख लो, संभागों को याद करने की जरूरत है नहीं है। ठीक, चूंकि एरिया में पता है ना, तीन तीन का जोड़ा बना लो, तीन उज्जैन के साथ, तीन इंदौर के साथ और तीन रीवा के साथ, छिंदवाड़ा एक अलग अलग आ गया, जबलपुर के साथ कटनी। तो ऐसे हमारे 16 नगर निगम है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में और आपके टेस्ट में, अभी पता नहीं अगर आए तो। नहीं, जबलपुर संभाग में छिंदवाड़ा जिला आता है। हाँ तो अपन इसको ऐसे करते हैं, ये सही कहा बेटा, अब ठीक है। जबलपुर में भी कटनी और छिंदवाड़ा हमारे अगर किसी ना किसी संभाग में तो होगा ही, वो तो जबलपुर संभाग में। थैंक यू, गुड। ठीक, अब थोड़ा सा, हाँ अभी अपन गए कहाँ हैं यार उस पर, अभी नहीं गया, अभी अपन यही है ना। देखो अब तो अब इनको देख लो, ये जो 16 है ना, ये 16 का जो प्रमुख है उसको बोलते हैं महापौर, पार्षदों से चुन के आता है, और यहाँ के जो प्रमुख अधिकारी है उसको बोलते हैं आयुक्त कमिश्नर, ये IAS रैंक का ऑफिसर होता है। एक तो होता है संभाग के कमिश्नर, एक होते हैं नगर निगम के कमिश्नर, जैसे ग्वालियर नगर निगम में कमिश्नर है शायद सन्याल साहब हैं, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है ना, तो वो IAS ऑफिसर रहते हैं, वो कमिश्नर रहते हैं, और इनके लिए रहती हैं परिषदें। तो ये तीन स्तर हमारे यहाँ हो गए, परिषदों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, महापौर प्रधान होते हैं और आयुक्त उनको एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे जिला पंचायत CO बराबर यहाँ पे हो गए, जिला पंचायत की जो परिषद हो गई वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, सभापति परिषद का सभापति होगा, परिषद का सभापति होगा उसके अध्यक्ष में। परिषद मतलब वार्ड, ग्वालियर जिले को कई सारे वार्डों में बांटा है ना, 65 के आसपास हैं, तो वो सारे वार्ड मिलके चुनेंगे क्या महापौर? नहीं नहीं, महापौर अब डायरेक्ट चुन लिया गया, पहले चुनते थे, जब भी मीटिंग होगी तो उसके लिए सभापति का चुनाव करेंगे ये पार्षद, और उस पूरे उसके लिए काम करने वाले हैं महापौर, मेयर बोलते हैं इसको, पार्षद सब जगह का नहीं, पहले पार्षद महापौर चुनते थे,
अब इस बार तुमने सुना है कि लोगों ने पार्षदों को भी वोट दिया और महापौर को भी दिया, तो महापौर को डायरेक्ट चुनते हैं प्रत्यक्ष। ये लिखा है जो तुम आप बोले ना 97 के बाद में, 97 के बाद में महापौर को अब जनता सीधे चुनती है, मतलब यहाँ की जो महापौर हैं उनको जनता ने सीधे वोट दिया है और पार्षदों को सीधे वोट दिया है। पार्षद मिलके जब भी मीटिंग होगी, जो कौन सी जगह है यहाँ पे, विक्टोरिया है कि कौन सा पैलेस है, हर एक जगह है जहाँ पे ये बैठते हैं, इटालियन गार्डन, थैंक यू, इटालियन गार्डन में जब भी मीटिंग होगी तो वहां पे पार्षद चुनेंगे अपने सभापति को, वो महापौर बैठेंगे उसमें उस सब मीटिंग के लिए, मीटिंग के लिए। क्यों, अगर ज्यादा हो रहा हो तो बंद करें यार। चलो थैंक यू।